सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में कई दिग्गज शामिल हुए हैं, लेकिन मंत्री प्रहलाद पटेल की तबीयत खराब होने से वे नदारद रहे। इस बैठक में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश की लाडली बहनों को भर भर कर सौगात दी है। जी हाँ, तो लाडली बहनों को भर भर कर सौगात मिली है। और बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के तोहफों की जानकारी दी है, सुन लीजिए। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने निर्णय लिया है कि सभी लाडली बहनाओं को 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर दें, उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। आंगनवाड़ी पोषण योजना जो हमारी, उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी में काम करने वाली जितने भी हमारी बहनें हैं, उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना, विशेषकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत सभी बहनों को कवर किया जाएगा। इसकी लगने वाले प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। तो देखिए, समय कम था इसलिए ज्यादा सुना नहीं पाए, लेकिन और किन किन फैसलों पर मोहर लगी है ये आपको जरूर बताएंगे। तो देख लीजिए कि आपके लिए वो कौन से फैसले लिए गए हैं। ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों और प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार काम किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर पर 398 रुपए की सब्सिडी, यानी कि अब लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बाकी के लिए सब्सिडी राज्य सरकार देगी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कार्यकर्ताओं का 2 लाख रुपए और सहायिकाओं का 1 लाख का बीमा किया जाएगा। वहीं ईमानदार कर्मचारी अधिकारी को प्रोत्साहित करने का फैसला भी लिया गया है। ईमानदार साहसी कर्मचारियों की मौत पर 1 करोड़ दिए जाएंगे। तो ये तमाम फैसले जो कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में आज लिए गए हैं।